मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। द केरल स्टोरी फिल्म आज रिलीज हो गई है। इस फिल्म की कंट्रोवर्सी की वजह से जहां एक तरफ इस फिल्म पर लोग एतराज जता रहे हैं तो वहीं दूसरी तरफ इस फिल्म को समर्थन भी मिल रहा है। आज रिलीज हुई द केरल स्टोरी को देखने के लिए बीजेपी नेता किरीट सुमैया और उनके बेटे नील सुमैया मुलुंड में पूरा थिएटर बुक करके अपने कार्यकर्ताओं के साथ में देखने के लिए पहुंचे थे। फिल्म द केरल स्टोरी पर एजेंडा फिल्म होने का आरोप लग रहा है कि 32,000 लड़कियों के धर्म परिवर्तन का आंकड़ा झूठा है। ये फिल्म कहानी चार युवतियों की है, मगर धर्मांतरण लव जिहाद पर बनी इस फिल्म को लेकर लोग कह रहे हैं कि सच्ची कहानी है, इसे दुनिया भर को दिखाना जाना चाहिए। इस फिल्म को देखने के बाद किरीट सुमैया ने क्या कुछ कहा है आपको सुना दें। केरल में जिस प्रकार से लव जिहाद लेकर मुस्लिम हो इन कम्युनिटी को सरकार उसमें जो फैनेटिक लोग हैं जो टेररिज्म को बढ़ावा देते हैं, 32,000 महिलाएं केरल से गायब है, हजारों मिडल ईस्ट में जाती है, आगे का पता नहीं चलता है, और बहुत वास्तविकता लोगों के सामने का जब द केरला स्टोरी प्रयास होता है तो केरल के मुख्यमंत्री हो या देश भर के कम्युनिस्ट कांग्रेस उसका विरोध करते हैं। वास्तविकता लोगों के ध्यान में आनी चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय ने भी इसी बात को दोहराया है। आज मैं स्वयं फर्स्ट डे फर्स्ट शो द केरला स्टोरी देखने आया हूँ। हिंदुस्तान की महिलाओं की जो अवस्था है वो जनता के सामने रखी गई है और इसमें ये पिक्चर में भी सुना है, ट्रेलर में भी आया है कि इन महिलाओं को किस प्रकार से भरमाया जाता है टेररिज्म की और प्रभाव और दबाव। तो 32,000 महिलाएं गायब कैसी होती है इसका जवाब भी देना पड़ेगा और इसका उत्तर और उपाय भी ढूंढना होगा। केरला स्टोरी ये मूवी सत्य को उजागर करने वाला पिक्चर है, सत्य को उजागर करने वाला सिनेमा है। 32,000 महिला केरल में से गायब, मतलब ये हम समझ ही नहीं पाते कि 32,000 महिलाएं गायब कैसे हो सकती है। लव जिहाद से लेके आतंकवाद, टेररिज्म में, मतलब टेररिज्म के राह पर वहां के भोले युवकों को बहला फुसला कर ब्रेन वॉश करके उनको आईसिस जैसे खतरनाक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन में जाकर शामिल करवाना या उनको वो उन संगठनों में जाने का मार्ग दिखाना, ऐसा प्रकार का एक अनेक सालों का वहां पर एक प्रोपोगंडा चलता रहा जहां पर हिंदुत्व को सॉलिड दबाया गया था, पर इस प्रकार के पिक्चर वो सारा प्रोपोगंडा और सारा सत्य लोगों के सामने लेकर आ रहे हैं। नरेंद्र मोदी, अमित शाह और देवेंद्र फडणवीस ये आज के तारीख में वन ऑफ द बिगेस्ट लीडर्स इन द कंट्री और इन द वर्ल्ड है, जो जिन जिन लोगों को हमारे लीडर्स के पॉलिटिकल पॉपुलैरिटी से या जिन जिन लोगों को हमारे लीडर्स के प्रगति से डर लगता होगा, उनके वोट बैंक पॉलिटिक्स पे अगर आ जाती होगी तो मैं समझ सकता हूं उनकी पीड़ा। उनको ऐसे सत्य को उजागर करने वाले सारे मूवीज प्रोपोगंडा ही लगते होंगे।